11:30 अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 घंटे बॉर्डर पहुंचने के लिए कोविडो। अगर आज मैं नहीं निकलता हूं तो मैं फंस जाऊंगा दुनिया के सबसे गरीब देश में, वो भी इलीगली, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का वीजा मिला था मुझे। वो है बुरुंडी का फ्लैग, देखिए पिछले व्लॉग्स में दिखाया था मैं बुरुंडी, जो कि दुनिया का सबसे गरीब देश अफ्रीका के सेंटर में है और सराउंडेड बाय तंजानिया, DRC और रवांडा। यार चीजें तो महंगी लग रही है, पता नहीं लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि गरीब पिछले 2 व्लॉग्स में आप देखोगे कि उतनी गरीबी दिखी नहीं एक्चुअली। और अभी हम लोग को निकलना है रवांडा के लिए, पर बुरुंडी और रवांडा के बीच में झमेला चल रहा है, तो मुझे वाया तंजानिया जाना पड़ेगा इस वीडियो में। वैसे तो ये ड्रमर्स के लिए फेमस होते हैं, पर यहाँ पे कुछ और ही बजा रहे हैं लोग। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू एस्केप द पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद योर एक्सप्लोरर राजा। खुल्लम खुल्लम मीट काट रहे, अपना पार्ट चूज करो और फिर इधर पकाओ और फिर खाओ। तीसरा दिन है बुरुंडी में, हम लोग बुरुंडी को छोड़ के जाने वाले हैं क्योंकि वीज़ा सिर्फ 3 दिन का मिला है। आप चाहो तो उसे एक्सटेंड करा सकते हो, इधर एक ऑफिस है पर वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो मैंने एक्सटेंड किया नहीं। अभी सुबह के 8 बज रहे, हम लोग को जाना है बस स्टेशन, बॉर्डर के लिए बस पकड़नी है। तो हम लोग इस बस टर्मिनल में आ गए जिसका नाम है कोतेबू, और हम लोगों को यहाँ से लेना है कोबेरो के लिए बस। अभी 8:30 बज रहे, पता नहीं बस मिलेगा कि नहीं। भाई यहाँ पे तो एकदम भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं मिला क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, पर हर कोई मेरे को बोला था हाँ मैं जा रहा हूँ कमेरो, मैं जा रहा हूँ कमेरो, मैं जा रहा हूँ कमेरो, पता नहीं क्या हो गया। अभी एक गाड़ी तो मिल गया है, पता नहीं कितना लेगा। जितनी गाड़ी में तो फुल भरा रहता है, ये तो पूरा भरा भी नहीं निकलने वाला है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। बुरुंडी का हिस्ट्री तो बहुत खराब है, पर एक्चुअल में इनके पास मिनरल्स वगैरह है तो पैसे है, पर ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, करप्शन है और इनका जो हिस्ट्री है उसमें आ जाता है बड़ा सिविल वार। और आज के दिन में पेट्रोल की बहुत कमी है, तो मेरे को डर लग रहा था कि यार पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए गाड़ी में बॉर्डर पहुंचने से पहले। पहाड़ों के बीच से अपना जर्नी शुरू हो चुका है, हम लोग बुजुम्बुरा शहर छोड़ चुके हैं और ये जर्नी टोटल तो है गूगल मैप्स बता रही है 4-5 घंटे की, पर रियल में अगर 7 घंटे में हो जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 6 बजे तक बॉर्डर खुला है, तो मेरे पास अभी भी 9 घंटे का विंडो है बॉर्डर क्रॉस करने का। पर मैंने सुना है कि लोगों से ये जर्नी बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ दिखेगा, कंट्री साइड दिखेगा और पहाड़ दिखेंगे, हरे भरे पहाड़, अच्छा लगेगा। फिलहाल लोग गाड़ी में भीड़ कम है, जनरली अफ्रीका में गाड़ी में पिछले सीट में 4 से 5 जन भी बैठा देते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ 3 जन है। पैसे कितने लेंगे अभी तक कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तेल का प्रॉब्लम है, तो ये हर पंप पे रुक रहा है तेल लेने के लिए। ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में बिना तेल के हम लोग अटक जाए, वैसे भी पहाड़ी रास्ता है तेल ज़्यादा लगेगा, पर जो होगा देखा जाएगा। जयराम जी की चलो। और अभी अचानक अपना गाड़ी को यहाँ पे रोकना पड़ा क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो पास कर रहा था, और भले ही दुनिया की सबसे गरीब कंट्री हो, प्रेसिडेंट के कॉन्वे में भी कम से कम 6-7 लैंड क्रूजर है, एक एम्बुलेंस है, क्योंकि गरीब देश हो या ना हो लीडर हर वक्त अमीर ही होता है, ये तो पूरी दुनिया का नीति है। आप आजू बाजू देख लो सारी जगह पे सेम है, लोग यूज़ करते हैं गाड़ी ट्रक्स को, साइकिल में जनरली इनका मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है, पर पहाड़ी देश है इसका 70% पहाड़ी, उसी वजह से लोग ऐसे टो करते रहते हैं। पर साइकिल्स की हालत बहुत ख़राब है, बहुत जन ऐसे ब्रेक मारते मारते गिर के पड़े पड़े हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, बचने के लिए जो भी ऑप्शन मिले, क्योंकि यहाँ का 95% लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र का काम, सामान इधर उधर ले जाने का, और करते हैं एग्रीकल्चर का काम। पहाड़ों में अच्छा एग्रीकल्चर है, हालांकि उतनी गरीबी दिख नहीं रही है, उतना भिखारी नहीं दिखा मेरे को स्ट्रीट पे। ना थोड़ा कोबेरो बॉर्डर पे पता नहीं कौन से गांव पे यहाँ पे ला के रोक दिया है। पता नहीं कहाँ पे कौन से रैंडम गांव पे आ गया हूँ। 20,000 ले लिया, यानी कि लगभग 400 रुपये ले लिया और यहाँ पे उतार दिया। अभी बज रहे दोपहर के सुबह के 11:30। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 घंटे है बॉर्डर पहुँचने के लिए कोविडो, यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, टेंशन नहीं है, जुगाड़ हो जाएगा, पैसे भी है, टेंशन की बात नहीं है, बस पहुँचना है। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है पर अच्छा लग रहा है। वैसे
वैसे तो ये ड्रमर्स के लिए फेमस होते हैं, पर यहाँ पे कुछ और ही बजा रहे हैं ये लोग। सुबह से तो कुछ नहीं खाया, ये ले लिया है, ये इनका तेल में तला हुआ, पता नहीं कैसा है। इसका दिया है मैंने 10 रुपये, हाँ 10 रुपये, और अभी गाड़ी चल पड़ा है, देखते कैसा है। बस मैदा है फ्राई किया हुआ, मैदा खाना भी इनका यही है, बस मैदे को फ्राई करके खा लो, वो भी सबको नहीं नसीब होता यहाँ पे। जैसे दूसरे सारे वेस्ट अफ्रीकन या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे बाइक दिखे, मेरे को दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल यूज़ करने वाले इधर ही देख रहे थे, हर कोई पहाड़ में साइकिल चला चला के लेके जा रहे थे। मैं तो सोचता हूँ साइकिल है, पर इनका अगर टायर वायर फट जाता है तो इनकी हालत तो ख़राब हो जाती होगी, क्योंकि टायर तो बहुत महंगा है। यहाँ पे हर जन का तनख्वाह सिर्फ 1000 रुपये है। और ये लास्ट स्टॉप पर यहाँ पर हम लोग को उतार दिया गाड़ी ने, 8 बजे लोकल टाइम में ऑलमोस्ट 3। रेस्टोरेंट पर कुछ खाना खाते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं वापस तंजीरें चलते हैं। इजी था और सुंदर भी था। तो पीछे बुरुंडी का एग्जिट इमिग्रेशन है, और ये हम लोग गलती से दूसरी जगह पे आ गए थे, थोड़ा उल्टा पुल्टा सिस्टम है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग 1 किलोमीटर वॉक करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे अपना प्रॉपर वाला इमिग्रेशन। ये वाला इमिग्रेशन सेक्टर सिर्फ रुंडी घुसने के लिए, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं है, एग्जिट का ऑप्शन सामने 1 किलोमीटर दूर है। देख सकते हो बहुत सारे इधर ट्रक्स है, बहुत सारे ट्रक्स इधर, क्योंकि बुरुंडी लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ पे कोई भी माल आता है ना तो तंजीनिया से आता है, दार सलाम पोर्ट से होके फिर ट्रक्स में आता है इधर। तो ये वाला मेन बॉर्डर है, एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था ये वाला बॉर्डर मेन है, यहाँ से सारा सामान जाता है। और जिस बॉर्डर से हम लोग घुसे थे बुरुंडी साउथ वाला, वो हल्का फुल्का बॉर्डर है, वो टूरिस्टिक बॉर्डर है। तो ये देख सकते हो कितना बड़ा कस्टम्स है, अभी वॉक करते करते बॉर्डर क्रॉस करने का मज़ा ही अलग है। और तंजीनिया के लिए अलग से वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि तंजीनिया का सिंगल एंट्री वीज़ा में भी आप वापस आ सकते हो अगर आप ईस्ट अफ्रीका के 3-4 देशों के अंदर ही घूम रहे हो। और एग्जिट हो गया बुरुंडी से और एंट्री हो गई तंजीनिया में वापस। तंजीनिया में आने के बाद ही लोग बहुत ही पोलाइट, ऐसे एक्चुअली बुरुंडी के लोग भी बहुत ही पोलाइट हैं, तंजीनिया के लोग सच में बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और अच्छे हैं। अब यहाँ से रवांडा का बॉर्डर 50 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से अभी शाम के 4:45 बज गए। कवांग बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद मोटर टैक्सी लेके अगला वाला शहर। ये मेरे को एकदम याद दिला रहा है जब मैं गिनी से सिरिलियन घुसा था, सिरिलियन घुसने वाला फीलिंग तंजीनिया में घुसने वाला मिला है। तो ये है कबांगा टाउन, और उधर एक होटल है। अभी शाम के 5 बज गए तंजीनिया में, तो बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब नहीं बनता रवांडा के लिए। तो इधर होटल में 10,000 में रूम मिल रहा है, पर थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर, और वहाँ पे आई थिंक वहाँ पर भी 10,000 में मिल रहा है। 10,000 तंजीनियन शिलिंग का मतलब हो जाता है ऑलमोस्ट 400 रुपये, हाँ 420 रुपये के आसपास। तो उस पर हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग आगे वाला टाउन जा रहे हैं 4,000 तंजीनियन शिलिंग देखें इस गाड़ी में। तो तंजीनिया में वापस स्वागत है, और फिर ये वीडियो रवाना जाके बॉर्डर जाके ख़त्म करते हैं। और ये वाला प्राइवेट रूम मिला है हम लोगों को अगले वाले टाउन पे आने के लिए, 4,000 लोकल दिया। हाँ नो इस रैंडम टाउन में चल के बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे लोग घूर भी नहीं रहे, पर यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट आते भी नहीं है। होटल रूम अच्छा मिल गया, खाने के लिए अच्छी जगह मिल गया, वाईफाई मिल गया, बस आज रात इधर रुक के मन तो कर रहा है इतना सस्ता कि यहाँ पे 3-4 रात रुक जाऊँ, शिल्ट करूँ बस, पर कोई नहीं, आज रात यहाँ पे रुक के कल चला जाता हूँ रवांडा। और अभी अगले दिन हम लोग एक और टैक्सी लेके जा रहे हैं बॉर्डर पे, रवांडा के बॉर्डर पे, और रवांडा क्रॉस कर लेंगे। फिलहाल ये वीडियो शायद यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले कंट्री रवांडा 94 जो एक्चुअली वीजा फ्री है, बताऊंगा आप लोगों को आगे। फिलहाल तो मस्त है, एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा। मैं एक्चुअली वहाँ पे 3-4 दिन था, उसके बाद मैंने फाइनली बॉर्डर क्रॉस किया। ऐसे रैंडम बॉर्डर टाउन्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं,
और आगे वाला कंट्री रवांडा भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 15 मार्च को एंट्री मिल गई अपनी कंट्री नंबर 94 रवांडा। रवांडा में स्वागत है और रवांडा अब इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है।